हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में जो प्रथम रहे हैं उनके बारे में। अब भारत में क्या क्या चीज़ें पहले आईं, कौन कौन सी चीज़ें पहले थीं उनके बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह एग्ज़ाम की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले की वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आई मीन पहला जो यहाँ पर दे रखा है कि विमान वाहक युद्धपोत पहला कौन सा था भारत का। ठीक है, तो पहला विमान वाहक जो युद्धपोत था उसका नाम था आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। दूसरा है स्वदेशी यानी अपने देश में बनी हुई परमाणु पनडुब्बी पहली कौन सी थी। तो आपको नाम याद रखना है, इसका नाम था आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र। और आपसे पूछ सकता है कि फुटबॉल, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कहाँ खुला था और कौन सा था। तो आपको याद रखना है नाम, पहला फुटबॉल क्लब जो है वो कोलकाता में खुला था। और क्या नाम था उसका, तो नाम आपको याद रखना है मोहन बागान। मोहन बागान फुटबॉल क्लब जो है वो भारत का पहला फुटबॉल क्लब है और ये कोलकाता में है। और ये कब खुला था तो याद रखना है आपको 1889 में, 1889 में ये खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत परियोजना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए शिव सुंदरम। शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना जो थी ये भारत की पहली परियोजना थी। ठीक है ना। और मैं बता दूं ये जो प्रोजेक्ट था वो किसके ऊपर था, किस नदी के ऊपर, तो आपको याद रखना है कि शिव सुंदरम जो है आई मीन जल विद्युत परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी के जल से जो है यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। और ये वाटरफॉल सा है, ठीक है ना, जो 98 मीटर, 98 मीटर ऊंचा है। और आपसे पूछ ले कि ये किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य में है। ठीक है ना, कर्नाटक में है ये, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास वो है समाचार पत्र। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो याद रखना है पहला जो न्यूज़पेपर था भारत का वो था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट जो था वो भारत का पहला अखबार था। किसने पब्लिश किया था, तो नाम आपको याद रखना है, यह है जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने पहली बार जो है ये अखबार प्रकाशित किया था। कब, तो 1780 में, 1780 में। लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर इसे बंद कर दिया गया। तो कब बंद किया गया, 1782 में, ठीक 2 साल बाद जो है इस पर रोक लगा दी गई थी। कहाँ पर छपा था, तो आपको याद रखना है कोलकाता में, कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट है भाषीय दैनिक यानी पहला दैनिक अखबार कौन सा था। ठीक है ना, भाषाई दैनिक अखबार कौन सा था, तो याद रखना है समाचार दर्पण जो है वो पहला भाषाई दैनिक अखबार था ये। ठीक है ना। अगर पूछ ले हिंदी समाचार पत्र भारत का कौन सा था, हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, तो आपको याद रखना है उदंत मर्तंड जो है ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा कहाँ से कहाँ तक हुई थी। तो याद रखना मुंबई से लंदन तक 1891 में जो है ये शुरू हुई थी। तार लाइन सबसे पहले कहाँ बिछाई गई थी भारत में पहले, तो याद रखना है आपको, तो डायमंड हार्बर से कोलकाता तक जो है पहली बार ये तार लाइन बिछाई गई थी। करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन केंद्र, भारत में पहली बार दूरदर्शन केंद्र कहाँ और कब खोला गया। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा आता है तो आपको आंसर करना है नई दिल्ली में। ठीक है ना, नई दिल्ली में जो है पहला दूरदर्शन केंद्र खोला गया था। और कब खोला गया था, तो आपको डेट भी याद रखनी है, 1959 में। ओके नेक्स्ट, अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहला दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो याद रखना है आपको 15 अगस्त 1982 में यानी 1982 में। पहली मूक फिल्म अगर आपसे पूछ लें, मूक फिल्म का मतलब होता है ऐसी फिल्म जिसमें आवाज़ नहीं होती, तो भारत की पहली फिल्म अगर आपसे पूछे तो याद रखना राजा हरिश्चंद्र, ये पहली मूक फिल्म भारत की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले बोलती फिल्म भारत की पहली कौन सी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए आलम आरा,
आलमारा फिल्म जो है ये पहली बोलने वाली फिल्म थी। और अगर आपसे पूछ ले रंगीन फिल्म को पहली कौन सी थी, तो किसान कन्या, किसानी कन्या नाम है ये फिल्म जो थी, ये पहली रंगीन फिल्म थी। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो अगर उपग्रह पूछ लेता है तो आपको आंसर लगाना है आर्यभट्ट, ठीक है ना। आर्यभट्ट जो है आपका आंसर होगा, आर्यभट्ट, सॉरी आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, आणविक भूमिगत परीक्षण कब किया गया था, यानी परमाणु परीक्षण भारत ने अपना पहला कब किया था, तो ये किया था पोखरण में, ठीक है ना, पोखरण में किया था 18 मई 1974 में। और अगर पूछ लेता है दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1998 में, ठीक है। दो बार परमाणु ट्रायल जो है हम लोग कर चुके हैं, परमाणुओं का परीक्षण, ठीक है। और दोनों ही जो परीक्षण किए गए थे उनको अलग अलग नाम भी दिए गए थे, तो आपको याद रखना है पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया इसे नाम दिया गया था पावर 98, पावर 98। और जो 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था दूसरा वाला, इसको नाम दिया गया था इस्माइली बुद्धा, इस्माइली बुद्धा, ठीक है। और किसके मतलब जो प्रधानमंत्री थे इसके, आपको वो मुझे बताना है। 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उस दौरान तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, 1974 में कौन था ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, जब परमाणु परीक्षण किया जा रहा था तो। नेक्स्ट है, स्वदेशी निर्मित उपग्रह पहला कौन सा था, यानी अपने देश में बना हुआ, तो उसका नाम था इनसेट 2A, इनसेट 2A 1992 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, परख नली शिशु पहला कौन सा है भारत का, तो याद रखना उसका नाम था हरसा, हरसा, ठीक है ना। 1986 में परख नली शिशु जो है पहली बार इसको जन्म दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा था, तो वो था पृथ्वी, जिस जो छोड़ा गया था भारत से 1998 में, सॉरी 88 में, 1988 में। नेक्स्ट है, अटलांटिक अभियान कब किया गया था, तो याद रखना है आपको 1982 में किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, तो डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने भारत के पहले जो जो चीज़ें हुई थी, जैसे पहला अखबार, पहली फिल्म, ये सब मैंने कवर करवाया। अगला जो वीडियो होगा इसमें मैं बताऊंगा भारत में प्रथम पुरुष के कौन कौन रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि पहले पुरुष राष्ट्रपति कौन थे, पहले पुरुष कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला, पहले पुरुष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, मतलब जितने भी पुरुष प्रथम रहे हैं वो मैं कवर कराऊंगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।